हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कैंट थाना क्षेत्र के कमिश्नर आवास के पास बुधवार की रात को आपसी विवाद में चली गोली, 5 घायल। एसएसपी ने कहा जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। 25 को मुख्यमंत्री करेंगे पोषण अभियान की शुरुआत। कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सभी को मिलेगा पोषण आहार, डीएम ने दी जानकारी। अटल कलश यात्रा की तैयारियों में जुटा नगर निगम। तुर्कमानपुर में राजघाट बर्फ खाने तक के अतिक्रमण पर चला नगर निगम का डंडा। नगर आयुक्त ने कहा चलता रहेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। 25 अगस्त को गोरखपुर में अटल कलश यात्रा की तैयारियों की सफलता को लेकर भाजपाइयों ने नगर के प्रतिष्ठान के मालिकों से मुलाकात कर यात्रा में शामिल होने की अपील। मंडलायुक्त ने SSG 18 ऐप डाउनलोड पर प्रभावी कार्रवाई करने को मंडल के सभी जिलाधिकारियों को दिया निर्देश। हिंदी वाहिनी की आयोजित हुई बैठक। 25 अगस्त को गोरखपुर आने वाली स्वर्गीय वाजपेयी की कलश यात्रा की सफलता पर बनाई गई रणनीति। ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए छात्रवृत्ति पखवाड़े के माध्यम से संबंधित अधिकारियों ने दिए सुझाव। गोस्वामी तुलसीदास जयंती के उपलक्ष्य में गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हुआ संगोष्ठी। वक्ताओं ने रामचरितमानस और आज का समय विषय पर रखे अपने विचार। UGC और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित हुआ 11वां पुंश्चर्य पाठ्यक्रम। वक्ताओं ने संस्कृत वाड़म्य में अपने आख्यान परंपरा पर किया मंथन। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा अधिकतम 1 माह में संचालित किया जा सकेगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 शैया मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई। KIPM में चलाया गया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के विषय में विशेष अभियान। वर्तमान में गोरखपुर का प्रदेश में 12वां स्थान। और रानी सती दादी परिवार मंगल महिला समिति द्वारा 28 अगस्त को मंगल महोत्सव का होगा आयोजन।